अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सागरी गांव के उन चार दरख्तों की हिस्ट्री बताने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ अल्लाह के वली हज़रत बाबा शाह फ़तेह दीवान के नाम से करते हैं, जिनके दौर में ये दरख्त लगाए गए हैं। और हज़रत बाबा शाह फ़तेह दीवान साहब का मज़ार भी इन दरख्तों के पास ही है। और इन दरख्तों की उम्रें तकरीबन लगभग 300-400 साल पुरानी हैं। आप ये दरख्त देख सकते हैं, कितने पुराने ये दरख्त हैं। ये चार दरख्त हैं, ये दूसरा दरख्त है, साथ तीसरा है और साथ ही चौथा दरख्त है। आप देख सकते हैं ऊंचाई भी इनकी, और ये कितने पुराने दरख्त हैं। इनका नाम बरना है और ये चौक भी इन दरख्तों के नाम से मशहूर है। बरना चौक इस चौक का नाम है, और इन्हीं दरख्तों की वजह से ये चौक भी जाना जाता है सागरी में। और जिस चौक में मैं खड़ा हूँ, ये चौक ज़माने कदीम में दो किलों को आपस में मिलाता था। एक किला किला मंगला और दूसरा किला किला रतास है। और उस दौर के जो बादशाह थे शेर शाह सूरी, वो भी अपने लश्कर के साथ इसी रास्ते से गुज़रा करते थे। ये वो रास्ता है, आप देख सकते हैं, जो दोनों किलों को भी आपस में मिलाता था। ये थी सागरी के इन चार दरख्तों की हिस्ट्री। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।